ये बताते क्यों नहीं आप? जान बताओ ना मैं कौन हूँ, कौन है ये? ये मेरा घर है। हाँ, वो मेरी कजन है। मेरा भी होने वाला घर है ये। वैसे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि उससे पहले एक ऑडिशन लिया जाए, उसके बाद में प्रोड्यूसर्स तक इनको रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू आर रेडी फॉर द ऑडिशन, तो बेहतरीन है, आप शामिल होना चाहेंगे? हाँ ना, जरूर, प्लीज, मुझे तो वैसे एक्टिंग का बहुत शौक है। ठीक है, तो मैं सिचुएशन ये दे रहा हूँ कि ये मेरी वाइफ है और इनको ये पता चल गया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड और मैं इनसे छुपा रहा। मेरे पास बैठी हुई तो ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप ठीक है, चले गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो बीवी आ रही ना ऊपर से, मेरी रियल बीवी आ जाए ना यहाँ पे। ओके, चले हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं, ऑडिशन देखते हैं आपका। जी, बाहर जाके करना है? बाहर से आएंगे, एंट्री देंगे यहाँ पे। आप बाहर चली जाए, ओके, बाहर चली जाए, आप बाहर जाए, आप इधर आ जाए, आप इधर आ जाए, मैं इधर आ गया। हम दूर है ना, उनको टाइम दो ना। सीन चल रहा है। आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? हम तो कोई नहीं, हम वैसे देख रहे हैं, हम दोस्त हैं। रागीर है, आप भी डेट पर आए? हम रागीर है, उसको चार पांच चक्कर लगाएंगे आप और आपको छेड़ेंगे। ठीक है, छेड़ेंगे। बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो, बच्चों के लिए गुब्बारे ले लो। अभी हमारे बच्चे नहीं हुए, मैं क्या करूं अभी? मैं अपनी बेगम को ये नहीं बता सकता कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, मैं कैसे हिम्मत करूं? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना फाइक, आपने मुझसे वादा किया था। कैसे करूं आप वादा खिलाफी कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं बोलती आपसे। क्यों नहीं बोलती? बस मैं नहीं बोलती, मैं प्लीज मेरी बात सुनो, बात समझने की कोशिश करो। अब मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर आ जाए और हम लोगों को पकड़ लो। उसको वैसे ही बहुत शक है, मेरा मोबाइल फोन चेक करती रहती है। और सलमा, तुम कौन है ये? सलमा तो तुम कौन हो? हाँ, भर रही है पहले। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, बाजी का बिजली का बिल था, वो भरना था मैंने। लड़की लड़की, तुम्हारे साथ इस शख्स ने दगा किया, धोखा किया, तुम्हारे ऊपर दूसरी बेगम ले गए। सलमा, मैं तुम्हारे साथ घर में तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, उनको मैं पालूं और यहाँ पे बैठ के तुम इस सब घुड़ छोड़े उड़ा रहे हो? शादी को अभी 7 महीने हुए, बच्चे कहाँ से? मेरी बेटी से तुम्हारी बहन के बच्चे हो? वो मेरे भतीजे हैं। भतीजे? Oh my God! तुम्हारे साथ दिमागी प्रॉब्लम। मेरी बात समझो, तुम्हारे साथ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो लड़की में बर्बाद हो गई। लड़की देखी नहीं और ये नहीं बोलने देगी किसी को ड्रामे में। एक दफा ले जाओ, ले जाओ इसे एक दफा, बस वो खत्म हो गया ड्रामा। सही है, मेरे ख्याल में चाचा की तरफ चलते हैं। कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक, आ जाओ। वेरी गुड, ठीक है। एक बात बताऊं आपको जान भाई, जिस तरह की ये बीवी बनी है ना, तो आपको तो सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं सोच रहा हूँ। नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें ड्रामे में लेने के लिए ना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कोई काम करना पड़ेगा, साथ में कोई दूसरा एक्टर ना हो, अकेली बोलती रहेगी, पूरा एपिसोड हो जाएगा। जी जी जान, इतनी बदतमीज बदजुबान बीवी मुझे दे दो। एक्सक्यूज मी सर, वो आपका मैंने खुरली में चारा लगा, मेरा मतलब है कि आपके बर्गर आ गए। ओह, थैंक यू वेरी मच। जाओ खाओ। क्या मतलब है सब ये? क्या अजीब अजीब बातें किए जा रहे हैं लोग? मेरू ये क्या? इधर आओ। कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या? दिस इज द फोन चुकिंग एंड द नंबर इज कम एंड दिस कॉल एंड अ गुड फुल रिस्पॉन्स एंड दिस इज द डडू चार्जर आल्सो इन्वॉल्व। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? 911 किसका मैसेज है? ये मेरा नहीं है, ये चाचू करते हैं। तुहाडा बेड़ा तरजे, तुहानू शर्म नहीं आती? बेचारी नु तुसी मैसेज करते हो? अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। सच सही है ना, मोहब्बत तो ज्यादा ना उम्र। वैसे खादम, मुझे तुझसे बड़ा गिला। क्या जी? उसे आगे भाभी भाभी कह रहे हो। हाँ, चाची नहीं कह सकते? आएगा।
अखा खोल के घर चला जाना। हाँ जी चला जाना। अखा बंद करके कब्रस्तान क्यों नहीं जाता? ओ कौन है तू साई? ओ चल निकल, ओ चल निकल, ओ धरने ते ट्रक दे उते आ जाना। आ जाना ते ट्रक दे थले क्यों नहीं आता? मेरी जान छड़न दा की लेगा मैं दस दे। मिठने आएगा, मिठने चावल खाएगा। आज मैं तेरे लिए लेटेस्ट नया लतीफा लेके आया हूँ। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने ना। अच्छा है, नवा नवा? हाँ बिल्कुल नवा। अच्छा इमरान खान साहब ने? बिल्कुल नवा। जीरो मीटर, जीरो मीटर। इमरान खान ने जीरो मीटर ही है। अच्छा तीन थी बाजी। इमरान खान साहब ने ना एक बात की। केड़ी बड़े मियां साहब दी के छोटे मियां साहब दी? सारे मियां साहब दी। अच्छा इमरान खान साहब ने एक बात की। केड़ी सियासत दी के ब्याह दी? इमरान खान साहब ने एक बात की। तेन गुस्सा हो गया, उन्हें तेरे घर की गल की थी यार। इधर आ जा, इधर आ जा, मेहमान आए उन्होंने मेहमाना सामने मेरी बिस्ती करना है। कौन मेहमान? साईं वो फैक भाई आए हुए हैं। फैक भाई वो देखो। ओ फैक भाई हमारे कराची के सुपरस्टार बल्कि पूरे पाकिस्तान। तू फिर आ गया। ओए 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 भाई जी। ओए वो फैक भाई आए हैं, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। तू चल ना, मैं तेरा लतीफा सुना। हां मेरा सही तारफ करा दे। आ जा फिर उधर को। आ जाओ आ जाओ, मेरे वहां पे तेरा प्लीज प्लीज टाइम बैठो। मेरू फैक भाई के पास बैठो, आज तुम तारफ कराओ इसका। नहीं मेनू पहले ही ठंड लग रही है, अब मेरे लागे पखे ना चला। एदा ब्याह होया, इनू वीडियो बनाउण वाले ने कुटे आ। ओ क्यों? वो कहता अजीब जान जा भाई, तेरी वजह तो कहता मेरे गोडे छिले गए। गड्डी साईं कैसी बात कर रहे हैं आप? वो देखो साईं, फैक भाई आए हैं, उनसे बात करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? तबीयत कैसी? कैसी लगती है? ओके आप जाई ना मुंह देखो, फाइट का ड्रामा देखो ना, तेरा मुंह वाज देख जान। वाह सात गोते कठे आए हो ना, फिर हो जाए मुंह बनना। गौर ना एदा, तेरा कैसा सलवार दी जेब वर्गा मुंह है। और सुनाए क्या सुनाए वो? भाजी तारुफ कर रहा है। भाई उरी बंदे आ के बुढ़ी आ। तारफ पहले करवा दें दोबारा। मीना से करा। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ये। पूरे पूरे खानदानी बिजनेसमैन थे, खैरात मांगने का इनका बिजनेस था। मांग मांग के ये इलेक्शंस में आए, हमारे एरिया के ये काउंसलर हैं। लेकिन ये जीत गए थे, दूसरी गिनती जब दोबारा हुई ना तो हार गए। एक वोट इनको पड़ा, वो इनका अपना था। हारने की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस है इनका जी। काउंसलर है और ये जो बड़ी पे नाले नहीं होती वो बड़े शौक से खरीदते हैं जी। अच्छा खरीदते मेरे अब्बा जी लंडन मुंबई है। सही यार करा दे। सही, यार सही तारक जी, ये इलाके की असेंबली, असेंबली असेंबली में जाते हैं जी बाहर, अंदर को नहीं जाने देता। अच्छा इलाके के काउंसलर हैं और साइकिलों के चक्के सीधे करते हैं। आगे काउंसलर है, इसके सामने जूते नहीं उतारने। अच्छा लेके सॉरी कर लेंगे। अच्छा मोबाइल देख के सही है। टेलीफोन देख लीजिएगा अपना, है ना अभी तक के उठा लिए। सर मेरे पास क्योंकि मुझे शूटिंग के लिए निकलना है, तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो। तंग आ गए वो देखा है? हां भाई नहीं तंग नहीं आया, मुझे एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आ रहा था ये जो बोल रहे थे। बस ये बस इतना पता चले देसी जिम कह रही है हमारे। चलो जी बहुत शुक्रिया यार फाइक, आप आए और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी की बात बुरी लगी हो, क्योंकि ये सारे मेरे पड़ोसी हैं और मैं इन्हें रोक नहीं सकता, ये मेरे घर आ जाते हैं। अच्छा और जाते जाते कोई पैगाम अगर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। ओए चलो तू बाज आना कि नहीं? तेन फिर मैं अपना तारफ करावा। मैं कौन हां? ओके ओके मैं ना आज तेन दसी दवा, मैं 302 च जेल गया वा। तू तो पागल है। क्यों? मैं 150 च गया, मैनू रक्षे वाले ने बूहे के लाया। कोई पैगाम अगर देना चाहे? पैगाम बस मैं ये देना चाहूंगा कि आजकल हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम कामयाबी की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और उस लिहाज से हमारी सोचें बन गई हैं, सारी चीजें बन गई हैं। मेरा ख्याल है कि एक इंसान किसी बड़े डेजिग्नेशन पर है, गवर्नमेंट में है या उसके पास उसका एक बहुत अच्छा स्टैचर है,
तो वो इंजॉय कर रहा है उस स्टैचर को, तो ये नहीं देखना चाहिए उसके बिहाफ पे, नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे इंसान का फैसला करना चाहिए कि वो कैसा है, ना कि ये कि उसकी तरक्की क्या है या उसके डेजिग्नेशन क्या है। ये हमारा सबका माइंडसेट बन चुका है। अगर इस तरह से हम सोचना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट इंसानियत के जमरे के अंदर बहुत कुछ सोच सकेंगे और बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। बहुत थैंक यू सर।